जी हाँ दोस्तों, आपकी जॉब खतरे में है। अगर आप थर्ड पार्टी या सेकेंड पार्टी के पेरोल पे अगर जॉब कर रहे हो तो डेफिनेटली सी आपकी जॉब खतरे में है। अब खतरा किस प्रकार का है इस जॉब में, ये नहीं कि वो थर्ड पार्टी या सेकेंड पार्टी तो आपको 4 महीने 6 महीने या 2 साल करा के आपको बाहर फेंक देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ खतरा ये होता है कि इन केस फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई ABC एक मल्टीनेशनल कंपनी है और उस पर आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पर सर्विस दे रहे हो, ठीक है, और आपका पे रोल है सेकेंड पार्टी पे, मतलब जो मान लो कि वही XYZ कंपनी है जहाँ से आपकी सैलरी आती है और काम आप कर रहे हो ABC कंपनी में, तो जो ABC कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप IT के बंदे हो, अगर जो ABC कंपनी है उसने अगर कहीं अपना प्रोजेक्ट या उसने अपने क्लाइंट साइड पे आपको रख रखा है, तब तो आप थर्ड पार्टी हो गए। आप हायर हुए ABC के लिए, सैलरी आपको दे रही है XYZ कंपनी, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वो मान लो कोई एक MLM कंपनी है, ठीक है, अब वहाँ पे आप जॉब कर रहे हो तो जहाँ से आपकी सैलरी आ रही है वो डेफिनेटली सी बात एक थर्ड पार्टी हो गई। अब क्या होता है, जो ABC कंपनी का पैचअप जो MLM कंपनी के साथ है तो क्या करती है, अगर MLM कंपनी चाहे तो अपना प्रोजेक्ट बंद कर सकती है, अपना क्लाइंट ABC कंपनी को मना कर सकती है कि नहीं हम अपनी IT अब रखेंगे, हम अपने IT से काम कराएंगे, हमें आपके बंदे नहीं चाहिए, हमें आपके प्रोसेस के बंदे नहीं चाहिए। तो अब बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, अब ABC कंपनी है, जो ABC कंपनी के ऑन रोल पे हैं उसके जो एम्प्लॉय हैं उनको तो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट करा देंगे किसी दूसरे क्लाइंट पे वहाँ पे शिफ्ट करा देंगे। अब आप हो थर्ड पार्टी पे, तो क्या होता है मल्टीनेशनल कंपनीज में थर्ड पार्टी बंदों को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, देते हैं अगर वैकेंसी ओपन है, लगता है कि वहाँ पे दूसरे बंदे नहीं हैं बिल्कुल भी, तो फिर थर्ड पार्टी को वहाँ पे रखेंगे। लेकिन सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि जो ABC कंपनी के एम्प्लॉय हैं, जो मेरे एम्प्लॉय हैं, उनको पहले हम कहीं सेटल कराएं, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं अगर उनका उन पे अगर जॉब कर रहे हो आप, अगर परफॉर्मेंस बेस पे बाहर नहीं हो रहे हो, अगर वो ऐसे बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट अभी नहीं है, तो फिर आपको बिठा के पैसे देती हैं, आप काम करो ना करो लेकिन आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी में ऐसा नहीं होता है, आपको पता चले बोल दिया जाएगा कि अपनी जॉब सर्च करो ये हो। और दोस्तों मैं जस्ट इसमें जनरल थिंग्स बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं डरा रहा हूँ या मैं ऐसा वैसा कुछ बता रहा हूँ, ये दोस्तों रियलिटी है थर्ड पार्टी कंपनीज की या थर्ड पार्टी के पेरोल पे। मतलब थर्ड पार्टी में भी हो जाता है कि अगर आप उस थर्ड पार्टी के पेरोल पे, तो जब चाहे वो तब आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, आपकी सैलरी हाइक नहीं होगी जल्दी से, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और प्रोजेक्ट बेस पे काम होता है कि अगर आज काम है तो ठीक है, कल नहीं है तो कोई। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि मतलब प्रोजेक्ट ख़त्म ही हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल की मैंने बात बताई कि क्यों थोड़ा सा खतरे में होता है, नहीं तो चलता है, लोग थर्ड पार्टी में जॉब करते हैं 8-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल, मतलब इवन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा रिटायरमेंट होता है वो थर्ड पार्टी में निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कई परसेंट चांसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि। और सिर्फ मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि आप कोशिश करो, ट्राई करो कंपनी के ऑन रोल पे जॉब मिले, बहुत ज़्यादा कोशिश ट्राई करो। इन केस अगर कंपनी ऑन रोल पे जॉब नहीं मिल रही है तो फिर आप थर्ड पार्टी के लिए जाओ, तो फिर आप थर्ड पार्टी में ट्राई करो और वहाँ पे जॉब करो। अगर पे रोल पे मिल रहा है, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी है, तब भी आप स्टार्टिंग बेस पे वहाँ पे ज्वाइन करो। अगर जब कुछ नहीं है तो जॉब तो करना है ना अपने को, तो चलो थर्ड पार्टी में करो और इसके बाद सर्च करते रहो, कहीं ना कहीं ज़रूर मिल ही जाएगा। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।